प्रदेश में बढ़ते जा रहे अपराध को लेकर शिवसेना का प्रदर्शन। प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार अपराध को देखते हुए शिवसेना द्वारा जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर कानून व्यवस्था के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। भेजे गए ज्ञापन में कहा गया कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद के प्रत्येक थाने में बढ़ते भ्रष्टाचार का ही परिणाम है कि पूरे प्रदेश में हत्या, डकैती, लूट, चोरी, अपहरण, बलात्कार, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, खोकशी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आम जनता के साथ थानों में दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रदेश में लॉकडाउन के पश्चात देश में बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ने से भी अपराधों के ग्राफ में तेजी आई है। पुलिस द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने की बात कोई नई नहीं है, इसी कारण अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते अपराध भ्रष्टाचार के कारण आम जनता में भय व्याप्त है। पूरे प्रदेश में त्राईमाम हो रहा है। थानाशाही व अफसरशाही पूरे प्रदेश में हावी है। इन सब बातों को लेकर शिवसेना ये मांग करता है कि प्रदेश में अपराध पर अंकुश लगाया जाए ताकि आम आदमी भयमुक्त तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर सके। आज पूरे प्रदेश के अंदर जो बढ़ते हुए अपराध हैं, हत्याएं हैं, लूट है, डकैती है, उसको लेके पूरे शिवसेना पूरे प्रदेश में आई ज्ञापन दे रही है माननीय मुख्यमंत्री को। जिस तरह थानाशाही बढ़ रही है, आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ अभद्रता हो रही है, सत्ता के नेताओं के साथ, विपक्ष के नेताओं के साथ जो आवाज़ उठाने वाले हैं उनके साथ पुलिस अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, इसके लगातार उदाहरण आप देख रहे हो। मुरादाबाद में क्या पूरे प्रदेश में आप स्थिति ये है कि पूरा त्राई त्राई माम हुआ उन सब चीज़ों को लेकर के आज शिवसेना एक ज्ञापन देने जा रही है माननीय डीएम महोदय के माध्यम से कि लूट, हत्या, डकैती, अपहरण इन जैसी घटनाओं को जो समाजवादी सरकार में जिस तरह की घटनाएं होती थी उस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इन सब घटनाओं पर अविलंब विराम लगना चाहिए। और ये जो सत्ता के कुछ लोगों के द्वारा बैठे हुए थानाध्यक्ष हैं और थानाध्यक्ष की कुर्सियों पर बैठ करके अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उन थानाध्यक्षों को अविलंब हटा देना चाहिए।